संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समय हम मार्च महीने में चल रहे हैं। हमारे साथ इस समय है प्रदेश के पूर्व कृषि निदेशक डॉक्टर एम पी उपाध्याय सर। तो सर, मार्च महीने में हम लोग इस समय जो हमारी फसलें रन कर रही हैं, एक तो रबी की फसलें हैं जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि अब अंतिम चरण में है। तो ये सारी फसलें हमारी रबी की तो है ही, दलहन और अन्य फसलें। इसके अलावा जो है जायद की फसलों की बुआई भी इस समय होती है। तो इस समय गन्ना भी है, सब्जियां भी हैं, आम की बात की, आपने आम की बात भी की। तो ये सारी फसलें हैं और जो नदी के किनारे भी सब्जियाँ बोई जाती हैं वो सारी भी सब्जियाँ हैं। तो इस समय किसानों को हमारे मार्च महीने में क्या महत्वपूर्ण इम्पैक्ट पॉइंट है, इसका उन्हें ध्यान देना चाहिए? देखिए किसान भाइयों, फसलें बहुत हैं और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस समय ये है कि जो हमारी रबी की फसलें पक रही हैं या पकने के काफ़ी नज़दीक हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है जी। और इस साल की फरवरी विगत बहुत वर्षों को देखें तो इससे सबसे ज़्यादा गर्म गुजरी है जी। और अभी मार्च में भी गर्मी जो है अच्छी शुरू हो रही है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें गेहूँ पर देना है और ख़ास तौर से गेहूँ की सिंचाई। गेहूँ की सिंचाई में ये ध्यान रखिए कि एक तो सिंचाई की जबकि मात्रा 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो, हल्की सिंचाई करिए। और यदि हवा की स्थिति है, हवा चल रही है कहीं, तो उस स्थिति में आप सिंचाई शाम के टाइम करिए, लेकिन सिंचाई अवश्य करिए। सिंचाई करने से ना करने से ज़्यादा नुकसान होगा, सिंचाई कर देंगे तो नुकसान में कमी आएगी। यानी हल्की सिंचाई करें और हवा को देख करके शाम के समय जो है जी हवा। अब देखिए किसी अलग अलग स्टेज पर होगा गेहूँ, किसी की 5वीं सिंचाई होगी, किसी की 6वीं सिंचाई होगी, किसी की मतलब जो कि अंतिम सिंचाई होती है जी। तो अंतिम सिंचाई पर भी आप यही ध्यान रखें कि जो जनरली ये कहा जाता है कि गेहूं में 20-25 दिन के अंतर पर सिंचाई करें, इस समय आप ये मत देखिए, आप ये देखिए कि खेत को सिंचाई की आवश्यकता अगर है तो आप सिंचाई अवश्य करिए, भले ही वो दिन अंतर जो है 12 या 15 दिन का ही, लेकिन आप सिंचाई करिए। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों के पास, जो अच्छे किसान हैं जिनके पास मैं फील्ड में गया था, कुछ लोगों के पास स्प्रिंकलर भी है, अगर इस समय स्प्रिंकलर से सिंचाई कर दें तो क्या बात है, मतलब उसका लाभ भी मिलेगा, उसका भी लाभ मिलेगा, हल्की सिंचाई भी हल्की हो जाएगी और जो थोड़ा सा माइक्रो क्लाइमेट है वो भी थोड़ी ठीक हो जाती है, तो बढ़ते तापमान का भी जो असर है, दुष्प्रभाव है वो कम होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, ये जो है जौ चना की फसलें भी हैं हमारी। जौ में तो ये है कि अब देखिए जौ की फसल है तो अब इसकी तो 95-100 दिन पर अब ये अंतिम सिंचाई जो दाना भरते समय की उसकी बस वही है, तो उस सिंचाई को कर दें, लेकिन सिंचाई इसके लिए हल्की ही करें। अच्छा सर, चने में और दलहनी फसलों में क्या है? चने में 2-3 बातें इस समय महत्वपूर्ण है जी। एक तो ये है कि दाना की स्थिति है इस समय, बिल्कुल सही बात है। और इस समय यह है कि अगर नमी की कमी है तो आप हल्की सिंचाई करें, बहुत हल्की। अच्छा, और ये देखें कि पानी भरने ना पाए, ये कर लें। अगर ये नहीं करेंगे तो दाना बहुत हल्का हो जाएगा, आपके उत्पादन जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। और एक दूसरी चीज़ जो है जी चने में ये महत्वपूर्ण है कि जो 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 फली छेदक पार्ट बोरर जो है वो लगता है, तो पार्ट बोरर के लिए आप जो NPV है, जैविक नियंत्रण है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, उसका जो लिक्विड आता है उसको 250-300 लीटर पानी में उसको मिला करके उस तरह से करके आवश्यक मात्रा और उससे उसका छिड़काव कर देंगे, तो ये आपका ये फली वेदक जो है
ये नियंत्रित हो जाए, बायोलॉजिकल कंट्रोल का जी जी है जी। और ये जो है इसके बहुत अच्छी तरह नियंत्रित, बहुत प्रभावी है, बहुत अच्छा है, प्रभावी है जी जी। अब देखिए इस समय एक महत्वपूर्ण फसल गन्ना की, बिल्कुल सही, गन्ना भी हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जी जी। किसान भाइयों, वैसे तो बसंत कालीन गन्ने के लिए तीसरा और चौथा सप्ताह फरवरी का सर्वश्रेष्ठ जी, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है जी कि इस समय जी, अब ये सुनिश्चित कर लें कि 15 तारीख तक, 15 मार्च तक आप गन्ने की बुवाई अवश्य करें, यानी 15 के आगे ना जाए। हाँ, आगे ना जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं बिल्कुल। और एक चीज और है, आप देख रहे होंगे कि हम लोगों के यहाँ दलहन की और तिलहन की डिमांड बहुत रहती है जी, और इसमें हमारा काफ़ी तिलहन में तो हमारा तेल मंगाने के लिए हमारी काफ़ी विदेशी मुद्रा भी खर्च होती है जी। दलहने भी हमारी, हम खाने की हमारी डाइट में दलहने बहुत महत्वपूर्ण सोर्स हैं जी प्रोटीन का। बिल्कुल सही है। तो हम ये करें कि गन्ने के साथ हम उड़द मूंग की खेती कर सकते हैं, और जब सह फसली करनी है हमें जी, तो हमें गन्ने की लाइनें अगर हम 90-90 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो आसानी होगी और सुविधा होगी। अब इसमें हम उड़द भी कर सकते हैं, मूंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर उड़द करना है तो फिर 15 मार्च के बाद जो है उड़द ना बोएं, अभी बोले यानी मक्का और गन्ना बोए भी और क्या उड़द की भी जो है। हाँ, उड़द की बोएं, और उड़द वाली लाइनों में आप केवल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें। अच्छा, क्योंकि गन्ने के खेत में जो है उर्वरक वैसे ही काफी इस्तेमाल होते हैं, खाद भी लोग अच्छी देते हैं, तो उसका जो उर्वरता का स्तर होता है गन्ने खेत का वो अच्छा होता है। इसलिए मूंग या उड़द जो भी बोते हैं उसके लिए आप सिंगल सुपर फास्फेट का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, और उसमें फलियाँ भी बहुत अच्छी तरीके से आएंगी। अच्छा सर, ये जो गन्ने की दो मतलब जो है 90 सेंटीमीटर की और दो लाइन जो है उसके बीच में उड़द मूंग, और मूंग में उड़द में जो है टाइप 9 है, UPU-19 है, UPU-30 है, ये सब अच्छी प्रजातियां हैं, और Shekhar-1 है, Shekhar-2 है, इस तरह से आप जो आपके पास सुविधा से मिल जाए उसे कर लें, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा जल्दी कर लें। अब एक चीज और है, अच्छा सर, उड़द मूंग जो है अलग से जो किसान बोलते हैं जाए उसमें, उसमें क्या करना? अच्छा देखिए, उड़द मूंग में एक चीज तो ये ध्यान रखें कि जो भी उड़द या मूंग बो रहे हैं आप अलग से बोए हैं या आप आगे बोएंगे जी, उसमें बढ़िया पलेवा करके बहुत अच्छी नमी पर आप बुवाई करें जी, ताकि पहली सिंचाई उड़द मूंग में आपको 30-35 दिन से पहले ना करनी पड़ जाए। बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत अच्छी है, ताकि जड़ों का अच्छी तरीके से विकास हो जाए। अगर आपको पता चला 7-8-10 दिन के बाद ही अगर सिंचाई करनी पड़ी तो उससे मिट्टी टाइट हो जाती है और उससे जड़ों का विकास कम हो पाता है, उससे आपके ऊपर जो है वो यानी 30 वो प्रभावित हो 30-35 दिन के बाद के समय सिंचाई करें पूरा उन्होंने, ताकि जड़ों का कम अच्छी तरह से विकसित हो जाए। अब देखिए, हाँ एक चीज और है, अब आपका एक एक फसल आपकी सूरजमुखी भी है जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है सर। तो सूरजमुखी की बुआई भी फरवरी से चलती है, उसके बारे में भी मैं यही कहना चाहूँगा कि 15 मार्च तक अवश्य बुआई करना, और 15-20 दिन के बाद जी, 15-20 दिन के बाद जो है आप इसमें थिनिंग कर दें, जम जाए जब। हाँ। तो ऐसा करें कि पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर पर कर लें, ये थिनिंग जो है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो फसल खराब हो। बिल्कुल, तो ये काम आप जरूर कर लें। तो सर ये जो है, ये तो हमारे जो है फसलों के बारे में बात हुई, और देखिए चारे की भी फसल, हाँ चारे की फसल भी है, और उसके बाद जायद में की जो अन्य सब्जियों सब्जियां हैं बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आम की भी फसल है। बिल्कुल सही सर, तो हम लोग जो है सर जो है चारे के बारे में चर्चा करेंगे और अन्य फसलों की भी चर्चा करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आगे जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे।